आया था, ठीक है 5-6 दिन हो गए परेशान था। गाइस हम फाइनली जेडीपी के कैंप पे। दादा हाँ आवाज दे यार उसको। हरिकम तो भाई फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, रात के अभी 1 बज रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आज हमारा कुछ सीन ऐसे है कि जो भाई हमारे स्लैब में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए जेडीपी ने, जफर भाई ने 2 तलवार पे कैंप लगाया हुआ है। हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जो हमारे से हो सकेगा हम वो उनकी इमदाद करेंगे, वहाँ पे फंड वगैरह देंगे। और उसके अलावा हम लोकेशन वगैरह देखेंगे, वीडियो वगैरह शूट करनी है। तो अभी चलते हैं अपने दोस्तों के पास, उनको पहले लेते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। नजा बुला यार, मैं तो थक गया, उसको जल्दी आजा भाई। अबे क्या मसला यार, तुम लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे? अबे 1 घंटे पहले का यार तेरे को बोला हुआ है, अभी तू आ रहा है। चला यार जल्दी, चले चल यार, बाइक निकाल, चल चले, चलो यार चलो। हम पहुंच गए फेरियालाल, यहाँ पे हमने कुछ वीडियो वगैरह अपनी शूट करनी है। इसके बाद जाएंगे 2 दरिया पे, अरकम और रजा वहाँ पे हम वो कॉल कर रहे हैं, वो भी आएंगे, वो अभी वीडियो वगैरह शूट करेंगे। ये फेरियालाल आपने सुना होगा, बहुत मशहूर जगह है कराची की, यहाँ पे तकरीबन सारे टिकटॉकर होते हैं। संडे वाले दिन छुट्टी होती है, इधर इतना रश होता है, इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। यहाँ पे कराची के हर टिकटॉकर आपको मिलेगा, बहुत मशहूर जगह है और बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे तकरीबन आप वीडियो वगैरह, यहाँ पे व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट कर सकते हो। आपको प्लेस दिखाते हैं ये, अभी चलें। हाँ तो भाइयों अभी शूटिंग शुरू हो गई है, अभी अरकम रफा का शूट कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है, ये देखें। तो भाई आप देख सकते हैं बहुत कितनी ये फेरियालाल है, बहुत ही मशहूर जगह है कराची की। यहाँ पे कोई ऐसा टिकटॉकर है जिसकी वीडियो जाम पे नहीं होगी, आपने इस जगह को बहुत बार देखा हुआ है व्लॉग में, कॉमेंट्री में, प्रैंक में, टिकटॉकरों के पास। ये वही जगह है जहाँ पे एक टिकटॉकर आता है, उसके पीछे रश होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको अभी हम मिलाएंगे अपने भाई से, छोटे से अरकम भाई, जो कि हमारी टीम का हिस्सा है। अरकम FM व्हाट्सएप आवर यू, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं आया हुआ था फेरियालाल आज नुमान के साथ और रजा के साथ, जो कि हमारी टीम के नुमाइंदे हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये वो जगह है जो कराची की सबसे मशहूर जगह है, दिस इज़ कॉल्ड फेरियल हॉल, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। गाइस यहाँ पे हर एक एक बंदा, हर एक एक सेलिब्रिटी जिसको हम अपनी उर्दू जबान में मशहूर बोलते हैं, मशहूर लोग, वो यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं यहाँ पे। ये कराची की जानी मानी जगह है फेरियल हॉल। एक टाइम था जहाँ पे रश हुआ करता था, खैर अब तो नहीं होता क्योंकि ये जगह थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई है। समझ रहे हो? आए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कराची है कैसा। हमारा कराची बहुत खूबसूरत है, सोने की चिड़िया है हमारा कराची। तो फाइनली गाइस हमारा यहाँ से शूट हो गया है मेकअप। अब हम जा रहे हैं 2 तलवार पे JDC की तरफ, जो कि JDC ने कैंप लगाया भाई ये सैलाब ज़्यादा लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस।
मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सबसे जितना हो सकता है आप उनके लिए करें और ज़फ़र अब्बास को दें। एग्जैक्टली वो बंदा जो है ना, वो मेरा लव है, वो बंदा हर चीज़ की इमदाद पहुँचा रहा उन तक के जो कि भूखे हैं। अल्लाह पाक खैर किसी को भूखा नहीं सुलाता, भूखा उठाता लाजमी, मगर भूखा सुलाता नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक से ये कभी इस शहर पे वो आँच ना पड़े, क्योंकि ये शहर तो फिर आप जानते हैं कि कराची एक नाम है जो कि अल्लाह पाक यहाँ से दिखा रहा है लोगों को कि क्या क्या पहुँच सकता है उन तक के, क्या क्या नहीं पहुँच सकता। जो नहीं भी पहुँच सकता वो अल्लाह पाक की ज़ात से वहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, बेशक देने वाली ज़ात अल्लाह की। तो फाइनली हमारा शूट यहाँ से हो गया ख़त्म, अब हम जा रहे हैं JDC के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह आपको दो दरिया पे। गाइस हम फाइनली JDC के कैंप पे पहुंच गए हैं, दो तलवार पे उनका कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पे लोग भरपूर मदद के लिए आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, लोग बाइकों पे आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं। तो हम भी अपने पास कुछ लेके आए हैं, वो भी देंगे। तो माशाल्लाह मैं तो यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी भाइयों से ये अजाब हटा दे, जितने भी हमारे सिंध के, पंजाब के, बलोचिस्तान में, KPK में, जहाँ जहाँ भी सैलाब आया, जहाँ जहाँ भी जिनके घर डूब गए, जिनके बच्चे माल सब, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ बोलने को, तो अरकम भाई आपको बताएंगे। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ज़फ़र अब्बास भाई के कैंप पर आए थे JDC पे, वो सामने आप देख रहे हैं दो तलवार के सामने बिल्कुल राइट साइड पे इनका एक कैंप लगा हुआ है जो कि आपको नज़र आ जाएगा। तो मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकी थी मैंने की, जितना अल्लाह पाक ने मुझे दिया मैंने दिया, जो अल्लाह पाक जिसके नसीब में जितना लिखता है अल्लाह पाक उसको देता है, बेशक देता है। मगर ये है, मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग आएँ यहाँ पे, आप लोग विज़िट करें, आप लोग देखें कि ये कोई झूठ नहीं है, ज़फ़र अब्बास दे रहा है, ज़फ़र अब्बास सबको खिला रहा है। खिला क्या रहा है, खैर उसकी कोई ताकत नहीं है ना वो खिला सकता है, अल्लाह पाक उसको दे रहा है तो वो बंदों को दे रहा है। छः दिन हो गए परेशान था, फिर मैं इनके साथ काम वाम करने लग गया, फिर 7 दिन हो गए काम कर रहा हूँ। अभी हमारे घर मर खाली करा दिए, ठीक है, पैसे नहीं थे मेरे पास, इनको मैंने बोला कुछ मदद कर, अपने माँ बाप को देखे थे सही क्या हाल है क्या नहीं है, वो लोग भी घर मर सारे खाली करा दिए। मीडिया वाले से मैंने पूछा, ना मेरे घर वालों का रब्ता है ना मोबाइल है मेरे पास उनसे। आए हुए हैं दो दरिया पे, यहाँ पे हमारा व्लॉग शूट हो रहा है। तो इससे पहले हम JDC गए थे, वहाँ भी आपको दिखाया है लोग किस तरह सैलाब वाले लोगों के लिए मदद कर रहे हैं और ज़फ़र भाई कैसे वर्क कर रहे हैं। उससे पहले हमने दिखाया आपको फेरी लाल, अभी आपको दिखा रहे हैं दो दरिया। हमारे मतलब आपको मैं सिखा चल। तो ये दो दरिया का मंजर है, तो अभी हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी वीडियो शूट करके हम इसके बाद जाएंगे DHA में OG बर्गर पे, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे। उसके बाद हमने जाना है लक्की वन शॉपिंग मॉल जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा काम है हमने वो करना है। उसके बाद हम आएंगे घर पे, फिर व्लॉग एडिट करेंगे, फिर आप सबको दिखाएंगे। ओके अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ है। भाई नुमान भाई, रजा भाई, इंजॉय किया भाई, भूख लग रही है कुछ खाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा शूट हो गया कंप्लीट,
अभी हम जाएंगे ओजी बर्गर, वहाँ पे जाके कोई पेट पूजा करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे लस्सी वन की तरफ। भाई एंजॉय किया है नहीं किया ये बहुत बताओ। मजा आया यार, बहुत मजा आया आज। सबसे ज्यादा मजा ये आया कि आज हम तीनों एक साथ हैं। बिल्कुल, आज मुझे भी छुट्टी थी, आपको भी छुट्टी थी और रजा को भी छुट्टी थी। सबसे मजा ये, नहीं तो कभी कोई रात को मिलता है, कोई दिन में मिलता है, हम एक साथ कभी मिले ही नहीं है। आज 2 मंथ के बाद हम एक साथ मिले हैं, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि नुमान भाई ने भी बताया और मैं भी कुछ इस तरीके से बताता हूँ, तो हमें आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना सपोर्ट करेंगे ना हमें, हम उतनी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आया हूँ अपने रेस्टोरेंट पर ओजी बर्गर पर, जहाँ पर मैं काम करता हूँ एज अ वर्कर। तो आया मैं आप सबको मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से। सलाम वालेकुम शकलीन भाई, क्या हाल है? सलाम, कैसे हो? डूड व्हाट द मैन। नहीं गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो भाई। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम एंड चीज फ्राई, उसका तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाला हमने जलेबीनो, ये डाला मशरूम, आ जाए हम देखिए। एंड आप इस पर डाल देंगे हम क्रीम, ये हमने क्रीम डाली। क्रीम डालने के बाद थोड़ी सी कुक करेंगे क्रीम को, फिर इसको फ्लेम को कर देंगे स्लो। अब डालेंगे हम मसाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा वाइट पेपर, बिल्कुल मामूली सी क्रश चाहिए, बिल्कुल मामूली सा ओरिगानो। ये डाल देंगे हम चिकन पाउडर, क्योंकि डलता नहीं है, हम डाल देंगे। ये हमने डाल दिए यहाँ पे मशरूम के फ्राई, अभी हम इसको कर रहे हैं। जैसे ही ये कुक हो जाएंगे हमारा मशरूम का सॉस रेडी है, बस हम उसमें चीज़ डालेंगे। उसके बाद आपको चीज़ डालते हुए भी दिखाएंगे कि हम चीज़ डालते कैसे। इसके अंदर हम लेंगे चीज़, ये हमने चीज़ ली, ये हमने चीज़ डाली, सही है। अब इस चीज़ को करेंगे मेल्ट, चीज़ को हीट नहीं देनी, बस इसको करते 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 ये देख लीजिए आप। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये थोड़े से फ्राइज डाले, सही है। अब आ जाए सॉस की तरफ, सॉस को करेंगे बिल्कुल गजब बेइज्जती है।
समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो।